क्लास 12 के बच्चे ध्यान दें कि हम इसके अगले अध्याय अनुवांशिकता पूरा कर चुके हैं। उसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर है वह है न्यूक्लिक अम्ल की खोज। तो ध्यान सुनिएगा, न्यूक्लिक अम्ल की खोज तब से प्रारंभ हुआ जब से इंसानों ने यह ढूंढना प्रारंभ किया कि हम किस चीज से बने हैं। तो सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज के बाद सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज की। उसके बाद सन 1842 ईस्वी में नाइजेरी नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक विभाजन का पता लगाया। केंद्रक विभाजन का पता लगाने के बाद आगे सन 1858 में वालेयर ने गुणसूत्र का पता लगाया, परंतु वो क्लियर नहीं कर पाए। फिर सन 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मार्शल नामक साइंटिस्ट ने अपने गहन अध्ययन एवं रिसर्च के आधार पर गुणसूत्र की खोज की और सन 1893 ईस्वी में कोसेल नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन के बाद प्यूरीन तथा पिरिमिडीन क्षार प्राप्त होते हैं। फिर 1899 ईस्वी में अंतर्मान नामक साइंटिस्ट ने न्यूक्लिक अम्ल का नामकरण किया। फ्रेडरिक मार्शल ने खोज लिया था बट उसका अधिक नाम नहीं दे पाए थे। तो 1899 में अल्टरमान ने उसका अधिक नाम दिया। अब सन 1928 ईस्वी में ग्रिफिथ्स नामक साइंटिस्ट ने यह बताया कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। 1951 ईस्वी में रोजालिन फ्रैंकलिन एवं मॉरिस विल्किंस ने यह बताया कि जो डीएनए है वह द्विसूत्री कुंडलिनी है। फिर 1953 ईस्वी में वासन एंड क्रिक ने यह बताया कि डीएनए एक द्विकुंडली संरचना है और इसका द्विकुंडलिनी मॉडल प्रस्तुत किया। तो जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल होता है, अल्टरमान ने इसका नाम इसके रासायनिक संगठन के आधार पर न्यूक्लिन दिया था। अब जो हमारा न्यूक्लिक अम्ल है यह दो प्रकार का होता है। एक होता हमारा डीएनए और एक होता हमारा आरएनए। ठीक, तो जो डीएनए है, डीएनए को हम आज पढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारियां देखते हैं क्या क्या होता है। तो आपको कुछ जो साइंटिस्ट के नाम बताए हैं, सन बताया, किसने क्या किया, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इससे नोट्स में लिख लीजिएगा। तो हम चलते हैं न्यूक्लिक अम्ल की खोज की तरफ। देखिए,
वह सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, उसके बाद जो केंद्र खोज थी वह सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया। ठीक, अब इसके बाद नागेरी ने जो गुरुसूत्र का पता लगाने वाला वैज्ञानिक था वह था 1858 में वाल्डेयर नाम साइंटिस्ट ने पता लगाया। ठीक, उसके बाद इसके बाद सन 1893 ईस्वी को से यह बताया कि न्यूक्लिक अम्ल के जल अपघटन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन में सन 1893। ठीक, उसके बाद जो गुणसूत्र है, जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल का आधुनिक नामकरण यह सन 1899 अल्कमान नामक साइंटिस्ट ने किया है। अब जो अगला है सन 1928 ईस्वी में
यह बताया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है। उसके बाद सन 1953 ईस्वी में रोजा फ्रैंकलिन एवं मॉरिस विल्किंस ने एक्सरे विवर्तन से यह बताया कि डीएनए द्विसूत्री कुंडलिनी है। द्विसूत्री कुंडलिनी है कौन? डीएनए। ठीक, फिर अगला है उन्नीस सौ तिरपन ईस्वी जो हमारे वाटसन एवं क्रिक थे, उन्होंने यह बताया कि मतलब डीएनए का द्विसूत्री कुंडलिनी संरचना प्रस्तुत किया। तब 1970 से मैंने नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो इतने हमारे साइंटिस्ट थे जो न्यूक्लिक अम्ल की खोज के समय काम किए थे। देखते थे इसको अच्छे ढंग से याद करिए रखिए, क्योंकि यह हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम इसके बाद। न्यूक्लिक अम्ल हो गया, मतलब न्यूक्लिक अम्ल की खोज हो गई। अब इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल का ध्रुवीकरण है। न्यूक्लिक अम्ल को दो भागों में बांटा गया, एक डीएनए अभिलेखा, एक आरएनए। तब हम बात करते हैं डीएनए की। देखिए जो डीएनए होता है, डीएनए किसी भी चिरधारी का आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए ही आनुवांशिक लक्षणों को, आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। अब आप कहेंगे कि अभी आप बताए थे आनुवांशिकता में जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है जीन के माध्यम से होता है, तो अभी जान लीजिए जो जीन होते हैं डीएनए का सूक्ष्मतम खंड होता है जिस पर आनुवंशिक सूचनाओं के ले जाने के साइट्स होते हैं। ठीक, तो डीएनए हमारा क्या है? डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ होता है। यह द्विकुंडली संरचना होता है तथा
डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है, डीएनए में पिरिमिडीन छाप साइटोसिन तथा थायमिन होते हैं, तथा प्यूरीन छाप लेक्टिन तथा ग्वानिन होते हैं। डीएनए जो होता है डीएनए में एडेनिन थायमिन के साथ दो हाइड्रोजन बंधों से जुड़ा होता है तथा ग्वानिन साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ा होता है। ये डीएनए की जो लक्षण या विशेषताएं हैं वह बताया गया है। क्या है? पहला, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक, डीएनए की संरचना द्विकुंडली द्विसूत्री होता है, या कह सकते हैं डीएनए द्विसूत्री कुंडली कुंडलित संरचना होता है। ठीक, डीएनए आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक होता है। ठीक है, उसके बाद डीएनए में दो प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं, प्यूरीन तथा पिरिमिडीन, तथा डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है, तथा जो डीएनए है इसमें पिरिमिडीन छाप थायमिन तथा साइटोसिन होते हैं एवं प्यूरीन छाप एडेनिन तथा ग्वानिन होते हैं। ठीक है, डीएनए का जो द्विकुंडलित संरचना है यह सन 1953 ईस्वी में वाटसन एंड क्रिक नामक साइंटिस्ट ने प्रतिपादित किया था। तो आइए देखते हैं जो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना है वह कैसी होती है।
फिगर देखिए जो डीएनए का जो संरचना है